ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। रूस यूक्रेन युद्ध। रूसी मिजाइल यूक्रेन के अपार्टमेंट में डिगी, एक की मौत। यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क खेतर के प्रमुख शहर कोमोटोर्स्क विच मंगलवार को एक रूसी मिजाइल ने एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिस विच घट्टो घट एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 होर जख्मी हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलादिमीर जोलेस्की ने सोशल मीडिया से एक वीडियो शेयर की है, जिस विच मिजाइल डिगी इमारत विच छेक दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के प्रोसीक्यूटर जनरल के दफ्तर और खेतरी गवर्नर पावले किरिलेनको ने भी हमले की सूचना दी है। इमारत के मलबे तस्वीरें साझियां की, उन्होंने कहा है कि मिजाइल हमला इन्ना जबरदस्त सी कि 9 अपार्टमेंट ब्लॉक, एक किंडरगार्टन, एक स्थानक बैंक शाखा और 2 कारां तबाह हो गई। रूस ने फरवरी 2022 यूक्रेन उत्ते हमला किया, उदों तो लैके हुण तक इस जंग विच कई आम नागरिक अपनी जान गुआ चुके हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने दसिया है कि देश विच पिछले 24 घंटियां च घट्टो घट 7 नागरिक मारे गए हैं, 30 होर जख्मी हो गए हैं। इन्हां विच मिजाइल हमले विच मारे जाने वाले भी शामिल हैं। लो वधदे हां अगली खबर वाल। रमज़ान तो पहला पाक सरकार ने दिता झटका, पेट्रोल की कीमत कीती 272 रुपए प्रति लीटर। पाकिस्तान सरकार ने महंगाई की मार चल रही आम जनता नूं रमज़ान शुरू होने तो पहला वड्डा झटका दिता है। सरकार ने महंगाई तो तंग लोगों ते दबाव बढ़ाते हुए पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए 272 प्रति लीटर कर दिती है। जियो न्यूज़ ने यह रिपोर्ट की। पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज़ के अनुसार वित्त विभाग ने अपने 15वें बुलेटिन विच अमरीकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत में गिरावट और प्लेट्स सिंगापुर द्वारा दर्ज कीतियां कीमतों में वाधे नूं कीमतों में वाधे का कारण दसिया है। प्लांट्स सिंगापुर दक्षण पूर्वी एशिया विच बहुत सारे शुद्ध उत्पादों के लिए एक कीमत आधार है। नोटिफिकेशन विच कहा गया है कि इस मुताबिक पेट्रोल की कीमत विच 5 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत विच 13 रुपए प्रति लीटर का वाधा होया है। मिट्टी के तेल की कीमत विच सरकार के बकाए को घटा के इसकी कीमत 2.56 रुपए रखी गई है। इसी तरह लाइट डीजल तेल की कीमत भी सरकारी बकाए को एडजस्ट करके स्थिर रखी गई है। लो वधदे हां अगली खबर वल। ऑस्ट्रेलिया के सबका प्रधानमंत्री कीटिंग ने पनडुब्बी सदे ते कीती निखेधी कीती यह टिप्पणी। ऑस्ट्रेलिया के सबका प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने अपने देश के बेड़े नूं आधुनिक बनाने के लिए संयुक्त राज तो परमाणु ऊर्जा नाल चलन वाली पनडुब्बियां खरीदने की योजना की बुधवार को निंदा करते हुए कहा है कि यह इतिहास का सब तो खराब सौदा होगा। कीटिंग ने नैशनल क्लब फंक्शन के समारोह में कहा है कि पनडुब्बियां ते फौजी उद्देशों की पूर्ति नहीं होगी। उसने कहा है कि चीनी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की धरती से हमला कर सकते हैं जां इसकी धमकी दे सकते हैं। कीटिंग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी चीनी बेड़े नूं जहाज़ों और मिजाइलों के नाल डुबो देगा। उन्होंने कहा है कि जेकर असी अमरीका तो 8 पनडुब्बियां खरीदते हाँ तो 3 समुंदर विच होणगियां। कीटिंग ने कहा है कि हुण तीनों सचमुच सानू चीन की ताकत तो बचा सकनगियां। यह बकवास है। गौरतलब है कि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को सोन डोएगे विच ऑस्ट्रेलिया के इस सौदे का ऐलान किया। यह समझौता इंडो पैसिफिक खेत्र विच चीन के फौजी निर्माण और दबदबे नूं लैके वध रही चिंता के विचकार होया है।